दिनांक 3 एप्रिल 2022 पासून मुस्लिम बांधवांचे पवित्र महिना रमजान सणाचे उपवास सुरू होऊन दिनांक 3 एप्रिल 2022 रोजी रमजान ईदची नमाज पठण करिता सर्व मुस्लिम सोलापुरातील विविध 5 ठिकाणी एकत्रितरित्या उपस्थित राहून सामुदायिकरित्या नमाज पठण करतात. गेल्या 3 वर्षापासून कोरोना रोगाच्या संसर्गामुळे व पावसामुळे ईदगाहच्या ठिकाणी नमाज प्रार्थना पठण करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे ईदगाह मैदानाच्या ठिकाणी स्वच्छता नाही. प्रशासनामार्फत प्रत्येक वर्षी ईदगाहच्या ठिकाणी मैदान स्वच्छ व अद्ययावतपणे पांढरे पट्टे टाकून नमाजाच्या प्रार्थनेची सोय केली जाते. यंदाही रमजान सणाची पूर्वतयारी म्हणून सोलापुरातील रंगभवन ईदगाह, पानगल हायस्कूल ईदगाह, भैया चौक, जुनी मिल कंपाऊंड ईदगाह, होटगी रोड ईदगाह, आसरा चौक मैदान ईदगाह आदी मैदानांची स्वच्छता करून सदर मैदानात नमाजाची व्यवस्था करण्यात यावी, असे निवेदन ताज सोशल ग्रुपचे संस्थापक तौफिक शेख यांच्या मार्गदर्शनाखाली सोलापूर महानगरपालिकेचे आयुक्त पी शिवशंकर यांना देण्यात आलं. सोलापूर महानगरपालिकेचे आयुक्त पी शिवशंकर साहेब हमारे जमात के सभी जिम्मेदार यहाँ पर आकर एक शिष्टमंडल हमारे यहाँ पर आया है. हमारी मांगनी यही है कि अभी कल से हमारा रमजान का महीना शुरू हो रहा है, कल चांद रात है, परसों पहला रोजा रहेगा. मैं सबसे पहले तमाम सोलापुर वासियों को रमजान की महीने की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि हमारी जो मांगनी है कि आज तकरीबन 3 साल से हमारे हिंदी में सामूहिक नमाज को परमिशन नहीं मिली, पढ़ी नहीं गई. 2019 में पहला बारिश की वजह से नमाज नहीं हो सकी और 2 साल कोरोना वजह से नहीं हुई. तो अभी इस साल हमारी मांगनी यही है कि इंशाल्लाह आने वाले 1 महीने के बाद जब रमजान की ईद रहेगी हमारी और ये मुसलमान का हमारा एक पवित्र महीना होता है जिसे माना जाता है, तो रमजान के महीने के पूरे रोजे रखकर इंसान ईद दिन खुशियाँ मनाता है, नमाज पढ़ता है, बच्चे लोग और बुजुर्ग लोग सभी लोग माँ बहनें भी नवीन कपड़े पहनते हैं, ईद मनाते हैं, सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को लेकर हम शुभकामनाएं मिलाते हैं, गले मिलते हैं मोहब्बत से. तो हमारी मांगनी यही है ये सामुदायिक नमाज पढ़ने के लिए हमें परमिशन दी जाए और ईद में जो 5 ईदगाह हमारे जिस तरह रंग भवन है और रुकी नाते ईदगाह, पनगल हाईस्कूल का ईदगाह, जूनी मिल कंपाउंड का ईदगाह और आश्रम मैदान का ईदगाह, ये 5 ईदगाह में साफ सफाई होना, पट्टी मारकर देना ताकि हमारे लोग जमात नमाज सब के साथ एक साथ पढ़े. और सभी लोगों की हमारी मांगनी यही है, कमेटी साहब हमें परमिशन दी गए और इसके बाद हम पालक मंत्री को भी निवेदन देने वाले हैं और नमाज पढ़ना हमारा हक है, हमारा अधिकार है और हम लेकर रहेंगे और अल्लाह ताला की याद करने वाली है. अल्लाह ताला इंसान को जरिया बनाता है, जिस तरह कमिश्नर हो, पालक मंत्री हो, कलेक्टर रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, पहले जान अल्लाह ताला की होती है और अल्लाह ताला इंसान को जरिया बनाता है. तो हमारी मांगनी यही है कि हम हमारा जो निवेदन देने वाले हैं साफ सफाई होना, नमाज पढ़ने की परमिशन मिलना, ये हमारी मांगनी है. शुक्रिया, खुदा हाफिज़. पालिका के आयुक्त पी शिवशंकर साहब के पास हमारा शिष्टमंडल आकर निवेदन दिया है. निवेदन में हमारी मांगनी ये थी कि सोलापुर शहर अभी हमारा रमजान का मुबारक महीना शुरू होने वाला है कल से, कल चांद रात है और परसों से हमारे रोजे शुरू है. ये रमजान का मुबारक महीने के लिए मैं तमाम सोलापुर वासियों को मुबारकबाद देता हूं और हमारी मांगनी यह है कि सोलापुर शहर में 2-3 साल से सामुदायिक नमाज हमारी नहीं पढ़ी गई. पहला साल 2019 में जो था बारिश की वजह से नमाज नहीं हो सकी और उसके बाद 2020-21 में कोरोना महामारी बीमारी थी इसलिए नमाज नहीं पढ़ सकी और कुछ निर्बंध थे, प्रतिबंध थे, इसलिए अभी प्रतिबंध पूरे हट चुके हैं. कल महाराष्ट्र राज्य के आरोग्य मंत्री राजेश टोपे ने कल मुलाकात दी है कि निर्बंध हटाया गया, उसके वास्ते हमने आज यहाँ पर माननीय पालिका मिश्र साहब को निवेदन दिए कि सोलापुर शहर के 5 जो हमारे ईदगाह है, जिस तरह एग्जाम्पल रंग भवन ईदगाह, घोटगी नाका ईदगाह, पानगल हाईस्कूल का ईदगाह और जूनी मिल कंपाउंड का ईदगाह और आश्रम मैदान का ईदगाह, यहाँ हमारे सोलापुर शहर के ईदगाह में तमाम सोलापुर शहर जिले के लोग आकर ईद की नमाज रमजान मुबारक महीने के पूरे 1 महीने के रोजे होने के बाद जब ईद का दिन आता है खुशियाँ मनाते हैं, नवीन कपड़े पहनकर हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं, जो नमाज हमारे लिए फ़र्ज है, नफिल भी है. तो हमारे मांगनी यही थी कि 2-3 साल से वहाँ पर ईदगी में नमाज नहीं पढ़ी गई तो इस मरतबा इंशाल्लाह हम नमाज पढ़ने वाले हैं, तो प्रतिबंध भी हट चुका है. तो इसलिए हमारे निवेदन की मांगनी यही थी निवेदन के अंदर कि ईदगी में जो साफ़ सफाई होना जो 2-3 साल से नहीं होती नहीं हुई थी, ईदगी में साफ़ सफाई होना और नमाज पढ़ने के लिए जो मार्किंग है, जो पेंट मारा जाता है, वहाँ फवारनी डी डी पाउडर जो भी रहेगा वो महापालिका के माध्यम से मारा जाता था और महानगर पालिका के प्रशासन लोग हमें सहकार्य करते थे और इस मरतबे सहकार्य करना बोलकर हमारे तमाम जिम्मेदार लोग यहाँ पर आकर हम
हमने निवेदन दिया है, कमिश्नर साहब ने भी हमें पॉजिटिवली जवाब दिया है कि निर्बंध हट चुके हैं और इंशाल्लाह अभी हम आदेश भी निकालने वाले बोले कमिश्नर साहब, तो साफ सफाई के बारे में भी वो जो उनके जो नीचे के झोन के जो भी अधिकारी रहेंगे तो उन्हें आदेश देते बोलते कमिश्नर साहब ने हमें वादा किया है। त्यानिमित्त सालाबाद वर्माने महानगरपालिकेकडून सोलापूर शहरामध्ये जे 5 ईदगा मैदान आहे, रणभवन, आलमगीर ईदगा, हुजवी रोडचा, पागल हायस्कूलचा ईदगा मैदान, आसार मैदानचा आणि सुपर मार्केटचा, हे जे 5 ईदगा मैदान आहे, सणाच्या जे सणा रमजानच्या दिवशी या ठिकाणी साफसफाई आणि जे काय म्हणतात त्याला फटे मारणार आहे, म्हणजे जमातीचे जे लोक उभारतात नमाजसाठी प्रार्थनासाठी, तर त्याच्या रांगोळीतर्फे त्यांनी पट्टे मारतात, प्रशासन प्रशासनाचा म्हणजे प्रत्येक झोनमार्फत हे काम होणार म्हणजे होत आलेलं आहे। तर त्या कामाची आठवण आणि गेल्या 2-3 वर्षापासून रमजान महिन्याचा इतका सण झालेला नाही आहे, म्हणजे सण झालेला आहे पण नमाज झाले सामूहिक समाज नमाज झालेली नाही, त्यानिमित्त ताशिशू ग्रुपच्या माध्यमातून आम्ही या कुटुंबियांच्या नेतृत्वाखाली सर्व जमातीचे लोक या ठिकाणी येऊन ऐकायला निवेदन देणार आहे की आपण येत्या महिन्याच्या अगोदर हे 5 ईदगा मैदान साफ करून द्यावे म्हणून त्यांची विनंती आहे। उद्यापासून एका रमजान पवित्र रमजान महिन्याची सुरुवात होणार आहे आणि 3-5 म्हणजे 3 मेला रमजान ईद साजरी केली जाणार आहे। प्रशासनामार्फत प्रत्येक वेळी आम्हाला सहकार मिळत असतं आणि प्रशासनामार्फत त्यांच्या प्रभागाच्या वतीने सोलापुरातील विविध ईदगा जे आहे त्या ठिकाणी नमाज सामुदायिक नमाज पठण करण्याकरता तयारी प्रशासनामार्फत केली जाते, म्हणून यंदा आम्ही जे निवेदन दिलेले आहे त्याची एक पूर्व सूचना म्हणून किंवा पूर्व नियोजन म्हणून आमची विनंती आहे की सोलापुरातील या 5 ईदमध्ये शासनामार्फत योग्य ती व्यवस्था व्हावी आणि सामुदायिकरित्या नमाज पठणाकरता आम्हाला सहकार्य करावे ही आम्ही तौफिक